नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और आपके साथ मैं हूं सौरभ। कोरोना वायरस दुनिया भर में फैलता जा रहा है। कोरोना वायरस के दो नए वेरिएंट मिलने के बाद एक बार फिर दुनिया भर में चिंता का माहौल है। साइंटिस्ट ये पता लगाने में जुटे हैं कि क्या ये वेरिएंट ज़्यादा संक्रामक हैं और क्या कोविड वैक्सीन इन पर काम करेगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण भी अलग होंगे, आसानी से संक्रमण फैलेगा और मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि वायरस म्यूटेट करता कैसे है। वायरस का रूप बदलना या म्यूटेशन उसकी प्रवृत्ति होती है। जब भी वायरस अपने किसी एक होस्ट के अंदर एंट्री करता है तो तेजी से अपना रूप बदलता है। अगर वो रूप नहीं बदलता तो उसके सेल्स मर जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब होस्ट के सेल कमज़ोर होने लगते हैं तो वायरस पहले की अपेक्षा मजबूत हो जाता है और ज़्यादा संक्रामक हो जाता है। ब्रिटेन के साथ साथ एक वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में भी सामने आया है। चिंता की बात यह है कि दोनों ही म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन के जीन में हुए हैं। ब्रिटेन वाले वेरिएंट में 14 म्यूटेशन हुए हैं, जिनमें से प्रोटीन बनाने वाले इम्यूनो एसिड में बदलाव आया और जेनेटिक कोड में भी कुछ हिस्से खत्म हो गए, जिसे डिलीशन कहा जाता है। WHO के मुताबिक इसमें से कुछ म्यूटेशन वायरस फैलने की गति को भी प्रभावित कर सकते हैं। WHO के मुताबिक एक और स्पाइक प्रोटीन P681H म्यूटेशन महत्वपूर्ण हो सकता है। उसका संबंध कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले मरीजों से भी जोड़ा गया, जिसके अंदर कई महीनों तक वायरस रहता है। उस डिलीशन की वजह से हमें पता चल सकता है कि वेरिएंट कैसे बना। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।